सभी जुबा है, हम है हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह का 8, तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और ये मेरा डेली रूटीन है फ्रेंड्स, डेली 8 से 9 के बीच में मुझे टाइम मिलता है, तो उस समय मैं अपना रूम का जो चादर वगैरह बिछा करके अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा डस्टिंग डेली करने से क्या होता है ना, रूम गंदा नहीं लगता है देखने में। और जिस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा फ्री रहती हूँ, तो उस दिन क्या करती हूँ, सारा सामान को निकाल करके अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। आज तो बस ऐसे ही हल्का सा कपड़ा गीला करके मैं सारी चीज़ों को पोंछ दे रही हूँ, और टेबल क्लॉथ को इस तरह से झाड़ करके बिछा दूँगी और ये चादर को धोने में दे दूँ। और जब सारा डस्टिंग वगैरह जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ और यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ कहीं जाने के लिए। फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है रितिशा का स्कूल। उसका स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। रितिशा मेरी बड़ी वाली बेटी का नाम है। अभी 12 बजे का टाइमिंग मिला है, तो अभी उसी के लिए मैं रेडी हो रही थी। और आप लोगों को भी लेकर चलूँगी क्योंकि ऑफिसली फ्रेंड्स जहाँ मैं जाऊँगी आप लोगों को भी चलना ही है। तो चलो लेकर के चलते हैं आप लोगों को स्कूल। और ये मैं घर के बाहर आ गई, ये हमारा लिफ्ट है। मैं 5वां तल्ला में रहती हूँ, तो लिफ्ट से ही आना जाना होता है, और रोड में आ गई हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। और यहाँ मैं स्कूल पहुँच चुकी हूँ, पर ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती क्योंकि गार्ड भैया पीछे से मुझे मना करें, मैम क्लास का टाइम है, रिकॉर्डिंग मत कीजिए, मैम देखेंगे तो गुस्सा करेंगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकूँगी। और आज का ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।